हाय दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बेस्ट प्लेयर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन फ्री में पैन कार्ड कैसे बनाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना, इस वीडियो में बताएंगे कि फ्री में आप पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको फिजिकल कोई पैन कार्ड नहीं आएगा, आपको डिजिटल रहेगा, मगर वो बिल्कुल वैलिड रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही रहेगा। इसके लिए क्या क्या जरूरी है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें मोबाइल जो है नंबर से जुड़ा होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना अनिवार्य है। अगर वो मोबाइल आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप जाके पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जाके अपने मोबाइल नंबर को चेंज करके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा लें दोस्तों। इसके साथ दोस्तों, आपको 18 वर्ष से ज्यादा उम्र होना अनिवार्य है दोस्तों। 18 वर्ष से अगर कम उम्र के हैं तो ये आप तो दोस्तों आप पैन कार्ड नहीं बना सकते हैं फ्री में। तो अगर दोस्तों आपका पहले से पैन कार्ड है तो आप इसे नहीं बना सकते हैं, ये गैर कानूनी भी हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि आप फ्री में। सबसे पहले हम गूगल का ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ई फिलिंग। आप भी गूगल को ओपन कीजिएगा और लिखिएगा ई फिलिंग। देखिए यहाँ बहुत सारे साइट खुला दोस्तों। सबसे पहले ऊपर में ही दिखा रहा है इनकम टैक्स इंडिया डॉट फिलिंग डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, सबसे ऊपर में ही है दोस्तों। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट डॉट इन भी लगा हुआ है, यही साइट है वो जिसमें आपको पैन कार्ड बन सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल दिखा दूंगा, बना के भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं दोस्तों। जैसे ओपन किया तो यहाँ पे आईडी कार्ड के बारे में कुछ बता रहा, पासवर्ड के बारे में दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए पासवर्ड। इसे मैं काट कटा देता हूँ। और दोस्तों यह साइट बिल्कुल नया है, इसमें नया ऑप्शन आया है फिलिंग वाला 18/3/2020। देखिए इंस्टेंट पैन कार्ड थ्रू आधार, यहाँ लिखा हुआ है पैन कार्ड आपको आधार के द्वारा मिल जाएगा। यहाँ कुछ और नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ आधार के द्वारा, आधार का पूरा डाटा के द्वारा आपको पैन कार्ड बन जाएगा दोस्तों। नीचे लाइन में साफ लिखा हुआ है कि इंस्टेंट पैन कार्ड रियल टाइम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो चलिए इसे ओपन करेंगे दोस्तों। इंस्टेंट पैन कार्ड थ्रू आधार पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किए दोस्तों तो साइट ओपन हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ पैन अलॉटेड बेस ऑन आधार इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ देखिए एकदम साफ लिखा है पैन पीडीएफ विद द जनरेट एंड इशू टू एप्लीकेटर। ये पीडीएफ में मिलेगा दोस्तों, ये फिजिकल नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। डाउनलोड इसका ऐप भी आ गया है दोस्तों, डाउनलोड मोबाइल ऐप ऐप भी यूज कर सकते हैं। और इसे साइड से बना लेते हैं, यहाँ गेट न्यू पैन कार्ड और डाउनलोड पैन कार्ड, गेट न्यू पैन कार्ड करते हैं दोस्तों। यहाँ एडिट उडिट करने का अभी ऑप्शन नहीं आया है, तो आप पूछिएगा नहीं कि एडिट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है गेट न्यू पैन कार्ड, जब पैन कार्ड बनाना हो तो दोस्तों गेट न्यू पैन कार्ड करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म खुल के आ गया है, आधार नंबर फॉर पैन अलाउड, आधार नंबर मांग रहा सबसे ऊपर बॉक्स में। यहाँ तीन चार प्रोसेस है उससे गुजर के होगा, वैलिड OTP चाहिए, वैलिड आधार डिटेल चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, गेट पैन कार्ड दोस्तों, फिर आप पैन कार्ड पा सकते हैं। और यहाँ पे है आधार नंबर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसे फिलअप भी कर दूंगा। तो इसके पहले और कुछ आपको दिखा दूँ जो नीचे में लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर इस तरह का होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ आधार नंबर आपको देना होगा जिसका मोबाइल नंबर आपके पास हो। यहाँ पे कैप्चर है दोस्तों, यहाँ कैप्चर देख के लिख दीजिए। यहाँ रिफ्रेश करने के लिए कैप्चर बदल भी सकते हैं। यहाँ कंफर्म डेट करना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव नेवर बीन अलाउड पैन कार्ड नंबर, मैंने पहले कभी नहीं मिला है मुझे पैन कार्ड, और मेरा मोबाइल नंबर लिंक है आधार से और डेट ऑफ बर्थ सेम है दोस्तों। और चौथा में है दोस्तों कि आपका उम्र 18 से ज़्यादा होना चाहिए। आई एम नॉट माइनर एज ऑन अप्लीकेशन डेट पैन कार्ड नंबर से तो। और पांचवा आप देख रहे हैं, ये सब मैंने पढ़ लिया है। देखिए पांचवा में दिखा रहा, मैंने ये सब पढ़ लिया है, ये सब हो गया दोस्तों। अब दोस्तों करेंगे हम लोग, नीचे में आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, जनरेट आधार OTP। तो दोस्तों यहाँ ऊपर में है आई कन्फर्म डेट, तो सब फिलअप करके दोस्तों जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ सब फिलअप हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको OTP आएगा, उसे फिलअप करना है, बॉक्स में क्लिक करना है वैलिड आधार नंबर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो OTP मैंने ऊपर लिखा है वो वैलिड है और कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आधार नंबर का पूरा डिटेल दिखा दे रहा है दोस्तों, पूरा डिटेल दिखा दे रहा है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट डेट एक बॉक्स भी दिखा रहा है, यहाँ आई एक्सेप्ट डेट भी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर मेरा पैन कार्ड पहले से नहीं है और रहेगा तो 10,000
इसका फाइन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद है सबमिट पैन कार्ड। जैसे सबमिट पैन कार्ड किए दोस्तों तो यहाँ एक नॉमिनल नंबर मिल गया दोस्तों, यहाँ आ गया है एक नॉमिनल नंबर। बहुत आसान है दोस्तों, इसमें और कोई डिटेल नहीं चाहिए। चेक स्टेशन में करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आया चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पेन, आप देख सकते हैं वहाँ पे क्लिक किए दोस्तों। तो आपको आधार नंबर डालना है, कैप्टन लाल सबमिट किए तो यहाँ ऑप्शन आ गया है डाउनलोड पेन कार्ड। अब दोस्तों यहाँ पे पेन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे डाउनलोड पे क्लिक किए तो दोस्तों यहाँ पे आया है पासवर्ड रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड होता है, उसे डाल देते हैं दोस्तों और सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट किए तो पेन कार्ड का पूरा फॉर्म भरा आ रहा है दोस्तों, और नीचे में दोस्तों पेन कार्ड भी आ गया दोस्तों। इसे दोस्तों हर जगह यूज कर सकते हैं, इसको फिजिकली यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों सिग्नेचर नहीं मिलेगा, तो अगर आपको सिग्नेचर वाला पेन कार्ड बनाना है दोस्तों तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, देखिए आइटम ऊपर दिख रहा है वहाँ क्लिक देख सकते हैं। तो आपको फिजिकली मिल जाएगा दोस्तों, उस चार्जेबल होता है, ये बिल्कुल चार्जेबल नहीं है। मगर ये मत सोचिएगा ये पेन कार्ड गलत है, ये पेन कार्ड का भी यूज आप हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि आधार में सिग्नेचर होता नहीं दोस्तों, इसलिए इसमें सिग्नेचर नहीं आया है। तो दोस्तों आप जान ही चुके होंगे कि पेन कार्ड कैसे बनाया जाता है। इसमें कुछ कुछ खासियत है दोस्तों, इसमें फिजिकल तो नहीं आता है, इसमें डिजिटल आता है, मगर इसमें देखे होंगे कि सिग्नेचर नहीं था। तो सिग्नेचर तो नहीं होता दोस्तों, मगर फिर भी ये वैल्यूड होता है, क्योंकि आधार कार्ड में सिग्नेचर नहीं होता है, इसलिए इस पेन कार्ड में भी सिग्नेचर नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल वैलिड है दोस्तों, कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में ये मत लिखिएगा इसे एडिट कैसे करेंगे, कहे कि अभी एडिट का ऑप्शन नहीं आया है दोस्तों इस साइड में, इसलिए अभी इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।